हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। नेटफ्लिक्स का यूजर्स को झटका, पासवर्ड शेयर करने पर देने होंगे पैसे। अगर आप भी नेटफ्लिक्स का पासवर्ड शेयर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नेटफ्लिक्स ने ये ऐलान किया है कि अप्रैल 2023 से पेड शेयरिंग ऑप्शन को शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी पासवर्ड शेयर करने पर पैसे देने होंगे। नेटफ्लिक्स के अनुसार जो सदस्य अपने अकाउंट को अधिक व्यापक रूप से साझा करते हैं वे आने वाले परिवर्तन से प्रभावित होंगे। नए बदलाव के साथ प्लेटफॉर्म सदस्यों को यह समीक्षा करने का विकल्प प्रदान करेगा कि कौन से डिवाइस उनके अकाउंट का उपयोग कर रहे हैं और प्रोफाइल को नए खाते में ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी मिलेगा। पासवर्ड शेयरिंग को समाप्त करने के लिए नेटफ्लिक्स पेड शेयरिंग को रोल आउट करेगा। बता दें कि कई देशों में पेड शेयरिंग फीचर को पहले ही रोल आउट किया जा चुका है। नेटफ्लिक्स के अनुसार सभी सदस्य यात्रा के दौरान टीवी या मोबाइल डिवाइस पर कंटेंट देख सकेंगे। नेटफ्लिक्स ने बताया कि उसकी वेबसाइट, आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी और नेटफ्लिक्स अकाउंट में साइन इन किए गए डिवाइस से अकाउंट एक्टिविटी का इस्तेमाल करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से डिवाइस एक ही घर में अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले 7.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग भत्ते के साथ रोजगार मुहैया कराएगी योगी सरकार। खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2024 के आम चुनाव से पहले 7.5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और भत्ते देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत योगी सरकार हर 75 जिले में से युवाओं का चयन करेगी और उन्हें स्किल ट्रेनिंग के साथ भत्ता मुहैया कराएगी। इसके साथ ही सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में भी मदद करेगी। यूपी सरकार की सीएम अप्रेंटिस योजना के तहत ये सहायता दी जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस के दिन इसकी घोषणा की थी। सीएम योगी ने कहा था कि बीजेपी सरकार साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के छात्रों को एक साल में व्यावसायिक प्रशिक्षण देगी और उन्हें रोजगार मिलने तक भत्ता देगी। यूपी सरकार इन सभी युवाओं को 8-9 हजार रुपए भत्ते का इन युवाओं को ट्रेनिंग के 12 महीने तक मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम में 3,825 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 2,460 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल योगी सरकार सीएम अप्रेंटिस स्कीम लॉन्च कर चुकी है। इसमें व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण में डिप्लोमा या डिग्रीधारी युवाओं को लाभ दिया गया था, अब इसमें ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है। फरवरी में भी बैंकों में कई दिन लगेगा ताला, देख लीजिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट। खबर है कि फरवरी में बैंकों की शनिवार और रविवार की छुट्टी के अलावा कई दिनों की छुट्टी होने वाली है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नए साल के दूसरे महीने यानी फरवरी 2023 में अलग अलग राज्यों में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपके पास बैंक से जुड़े हुए कोई जरूरी काम अटके हैं तो उन्हें फटाफट से निपटा लें। फरवरी की 10 छुट्टियों में से बैंक 6 दिन रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के कारण बंद रहने वाले हैं। बाकी बचे हुए 4 दिनों में बैंक सरकारी और लोकल त्योहारों के कारण बंद रहेंगे। बता दें कि फरवरी महीने में महाशिवरात्रि, लोसार, लोइंगाई नी जैसे त्योहार हैं जिसके कारण बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि सभी बैंकों में छुट्टियों के दौरान भी IMPS, NEFT, UPI, ATM सेवाएं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चालू रहेंगी। यूएन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दी है गुड न्यूज। मंदी की आहट के बीच अच्छी रहेगी विकास दर। दुनिया में भले ही मंदी की आहट सुनाई दे रही हो, भले ही कई देशों की अर्थव्यवस्था गोते लगा रही हो, लेकिन भारत ग्लोबल इकोनॉमी में आकर्षक स्थान पर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक मंदी के प्रभाव के बीच 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर 5.8 रहने की संभावना है। वहीं 2023 में भारत की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के घटकर 5.5% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट की माने तो भारत 2024 में 6.7% की दर से बढ़ेगा। रिपोर्ट में GDP की इस हालत के लिए कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन की लड़ाई से पैदा हुए हालात को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते खाद्य और ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है और महंगाई बढ़ी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का दौर जारी।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मची है खलबली। खबर है कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में खलबली मची हुई है। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को भी गिरावट का दौर जारी रहा। कंपनी के सभी शेयरों को बेचने की होड़ मच गई है, इससे शेयर बाजार में दबाव हावी होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन के शेयरों में 16% से अधिक गिरावट देखने को मिल रही है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते गौतम अडानी को 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन शेयर बाजार में जारी गिरावट से और नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जैकलिन फर्नांडीज को कोर्ट से मिली राहत, दुबई जाने की मिली इजाजत। खबर है कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दुबई जाने की इजाजत दे दी है। एक्ट्रेस ने 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच दुबई जाने के लिए नई याचिका दायर की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब 15 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होनी है। एक्ट्रेस ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दायर करके अपने आवेदन में कहा था कि उन्हें दुबई में पेप्सिको इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। 29 जनवरी को शेड्यूल कॉन्सर्ट में उन्हें एक स्टार परफॉर्मर के तौर पर बुलाया गया है। बता दें कि फर्नांडीज 200 करोड़ रुपए के सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपियों में से एक है। उन्हें 15 नवंबर 2022 को मामले में रेगुलर जमानत दी थी। फर्नांडीज को मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। भारतीय हॉकी टीम के हेड कोच ग्राहम रीड की हो सकती है छुट्टी, टीम की नाकामी है इसकी वजह। भारत के हेड कोच ग्राहम रीड का कॉन्ट्रैक्ट बेशक ही 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक तक है, लेकिन अब खबर है कि हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान टीम के जल्द बाहर होने के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा किए जाने की संभावना है। बता दें कि भारतीय हॉकी टीम 22 जनवरी को भुवनेश्वर में खेले गए क्रॉस ओवर मैच में न्यूजीलैंड से पेनल्टी शूटआउट में हार गई थी, जिससे वह वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना पाई। कई हॉकी दिग्गज टीम की इस नाकामी के लिए रीड को जिम्मेदार मानते हैं। भारत की जापान पर 8-0 से बड़ी जीत के बाद रीड ने कहा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तान का पानी बंद करेगा भारत, भारत सरकार ने जारी किया नोटिस। खबर है कि भारत सरकार ने सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की सभी गलत कार्रवाइयों ने सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और भारत को IWT के संशोधन के लिए नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान की हरकतों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को अक्षरशः लागू करने का भारत दृढ़ समर्थक व जिम्मेदार साझेदार रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष से ऐसा नहीं हुआ है। भारत सरकार ने कहा कि पारस्परिक रूप से हम एक मध्यस्थ रास्ता खोजने के लिए भारत सरकार द्वारा बार बार कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार किया है। ऐसी वजहों के चलते हम पाकिस्तान को नोटिस जारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत, वीडियो दिखाने की मांग। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भले ही पार्टी नेता दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन पार्टी के भीतर अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाने का सिलसिला जारी है। दिग्विजय सिंह के बाद अब राशिद अलवी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। खबर है कि उन्होंने कहा है कि हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, सेना हमारा गुरूर है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि हमारे पास वीडियो है, तो हम बस ये कह रहे हैं कि हमें वीडियो दिखा दीजिए। बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हालांकि पार्टी ने उनके इस बयान को उनका निजी बयान बताते हुए पार्टी ने किनारा कर लिया था। परीक्षा पर चर्चा में छात्रों से बात करते हुए बोले पीएम मोदी, कहा देश के विद्यार्थी मेरी भी परीक्षा ले रहे हैं। खबर है कि परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों के हर सवाल के जवाब दिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि जीवन में समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। पीएम ने कहा कि काम का ढेर इसलिए हो जाता है क्योंकि समय पर उसे नहीं किया जाता। काम करने से कभी थकान नहीं होती, काम करने से संतोष होता है, काम ना करने से थकान होती है कि इतना काम बचा है।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है और उसके बाद कम होने की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। बारिश और हिमपात की तीव्रता में काफी वृद्धि होगी और यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों को कवर करेगा। आज का सुविचार, पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।